हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हसनैन फारूक व्लॉग्स और आज है फ्राइडे और अभी ऑफिस टाइम हुआ है ख़त्म। और ये है मेरे अजीम भाई। अजीम भाई कैसे हो, ठीक हो? ये यहाँ पे काम करते हैं जैसे मैं यहाँ काम करता हूँ, और ये एक्चुअली चौकीदार का काम करते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम बना है कि क्या कहते हैं, हैदराबाद से कोटली, कोटली में हम बाबा सलाउद्दीन की एक मज़ार है, वहाँ हम हाज़िरी देने चाहेंगे। उस ये होगा हमारा एपिसोड 1, और एपिसोड 2 जो होगा वो ये होगा कि कोटली से जाम शुरू, वहाँ किसी होटल में हम चाय पियेंगे। उसके बाद एपिसोड हम 3 बनाएंगे, क्या कहते हैं, जामशोरा के हैदराबाद। इस एपिसोड का नाम मैं सोच रहा हूँ रख दूँ, सोचते हैं कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, बताएंगे आपको एपिसोड 2 या 3 में बताएंगे। तो बिना किसी टाइम इसके चलते हैं आज के नए व्लॉग की तरफ। गाइस, अभी हम पहुँचे हैं विदु चौक, और यहाँ से हम अभी लेफ्ट लेंगे, और साथों साथ हम आपको क्या कहते हैं कोटली की पुल भी दिखाएंगे आपको। एक मिनट में कैमरा चेक कर रहा था कि चल रहा नहीं चल रहा। कभी कभी सीन हो जाता है कि बंदा बात कर रहा होता है और कैमरा नहीं चल रहा होता। मेरे साथ है असीम भाई, मैं एडमिन का काम करता हूँ, और ये जो मेरे साथ असीम बैठे हुए हैं ये है चौकीदार का काम करते हैं। अभी ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया, मैं अभी जा रहा था कोटली, तो मैंने से कहा कि आप चलोगे? जी हाँ बिल्कुल मैं चलूँगा। मैं चलो ठीक है भाई, आ जाओ। अभी मेरे जहन में आया है कि मैं इसकी जो प्लेलिस्ट का नाम जो रखूँगा, सीरीज़ का नाम रखूँगा हैदराबाद कोटली और जामशोर की राइट। हाँ ये बेहतर रहेगा। बाबा सलाउद्दीन जो मज़ार में फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ गाइस, और मैंने इनकी विकीपीडिया में थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखी। इनका यही है कि ये क्या कहते हैं चित्राल में पैदा हुए थे, और इन्होंने जो 1900 में पैदा हुए थे ये, और क्या कहते हैं पेशावर में इन्होंने क्या कहते हैं तालीम हासिल की थी, मजहबी तालीम। क्या प्यारा, आप कितना प्यारा कुत्ता बैठा हुआ था उसमें, जा क्या कहते हैं रक्षे पे। तो उसके बाद ये अजमेर शरीफ में भी थे, ख्वाजा मोहीद्दीन चिश्ती से भी इनका वाबस्ता थे इनसे ये। और इन कहते हैं कि डेथ जो हुई थी वो हुई थी 7 में, और उसके बाद क्या कहते हैं इनको दफना है यहाँ पे क्या कोटली पे। ये लेफ्ट साइड पे हम जो है जाएंगे हम अभी, ये आप रेलवे ट्रैक देख रहे होंगे सामने, ये जो रेलवे ट्रैक जाएगा सीधा कोटली। इस पुल की खासियत यह है कि इसको 100 ईयर से ज़्यादा हो गए इस पुल को, और इसमें यह है कि सिंगल रोड है, बल्कि सिंगल नहीं सॉरी वन वे है इसमें, और उसके अलावा तीसरा जो है ये रेलवे ट्रैक भी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये मजबूत पुल है यह। आज मैंने जिनसे मैंने इंजन का काम करवाया था, आबिद भाई जो मैकेनिक हैं बाइक के, मैंने उनसे पूछा था कि 120 किलोमीटर में चला चुका हूं, तो क्या मैं किसी पवेलियन को बिठा सकता हूं कि नहीं। उन्होंने कहा हां बिठा लो आप। अभी हम
होपफुली जल्दी गाड़ी रवाना हो जाएगी, उसके बाद फिर हम जो है मेरा जो प्रोग्राम है अगले महीने वो है बेटशाह, उसके बाद मेरा प्रोग्राम बतायो फ़कीर हैं वो क्या कहते हैं मीरपुर खास रोड की साइड पे ही हैं, उसके बाद फिर सेवन इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन इसमें चाहिए होगा मुझे आपका साथ। ये अभी हमने कोटड़ी की जो पुल क्रॉस की और अब हम जो है कोटड़ी में दाखिल हो गए जो हैदराबाद और कोटड़ी को कनेक्ट करती है। ये मेरा आप लेफ्ट साइड में देखें तो बिलावल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गाइस, ये बाहर से तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। मुझे गाइस यहीं से नजर आ रही है बाबा सलाहुद्दीन की मज़ार, बस हम के कुछ ही मीटर रह गए हैं, तकरीबन 6 किलोमीटर दूर था हमारे ऑफिस से लेकर यहाँ तक, बल्कि 6 किलोमीटर से भी कम 5.5 किलोमीटर में आई थिंक। बाबा सलाहुद्दीन की जो अब हम हाजिरी देंगे और फिर जाएंगे यहाँ से जाम चोरों, वो हम आपको एपिसोड 2 में दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम जाम चोरों के हैदराबाद आएंगे। होपफुली कि आज रश कम हो क्योंकि आज फ्राइडे है और ये चाहने वाले बहुत सारे आए होंगे, मुझे जहाँ तो लग रहा है महसूस हो रहा है, देखते हैं क्या उसको नज़र आ रहा होगा। एक मज़ार है और एक मस्जिद है बाबा सलाहुद्दीन के नाम से ही नाम है मस्जिद बनी हुई है, मुझे लगता है यहीं से लग रहा है कि रश काफ़ी लग रही है मुझे यहीं से ही। बाबा सलाहुद्दीन होय 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 होय, ये तो बहुत रश है। अब यहाँ पार्किंग का भी बड़ा मसला है कि पार्किंग की तरह खड़ी करें, ये यहाँ खड़ी कर देते हैं, दुकान तो शॉप तो वैसे ही बंद है। अजीम यहाँ खड़ी करते हैं, यहाँ खड़ी करते बाइक, दुकान तो वैसे ही बंद है। हाँ। 5 मिनट में आ जाएंगे हम। अभी हम चल रहे हैं सर बाबा सलाहुद्दीन की मज़ार पे, ये अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे शॉप, और यहाँ शायद मुझे थोड़ा मसला भी होगा क्योंकि फैमिली का ही नहीं है और कहीं अकाना को एतराज़ कर ले, देखते हैं कोशिश करते हैं जितना हमसे एक्सप्लोर होगा हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे और चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसे उतारते हैं, इतना बड़ा नहीं है बिल्कुल ही मुख्तसर बना हुआ है और कैसा लग रहा है जी, मज़ा आ रहा है। जी गाइस ये था आज का हमारा मुख्तसर ब्लॉग, आई होप आपने आज का ब्लॉग इंजॉय किया होगा। ये हमारा एपिसोड 1 है और एपिसोड अब 2 जो होगा, अभी हम यहाँ से जाएंगे कोटड़ी से जामचरो, तो आप एपिसोड 2 में देखिएगा। तो आई होप, और ये मेरी जैकेट में क्या कहते हैं लग गया, ये चलो फिर साफ करते हैं इसको। तो आपने जाती करिए, आप कैसा लगा आपको बताया।
बहुत मुझे सुकून और सुकून वाली जगह है। तो जब आप कोटी हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर हाजिरी दें, बहुत ही यहाँ प्यारे लोग हैं। तो आज काफ़ी रश थी तो ज़्यादा किसी लोगों से मैंने डिटेल नहीं पूछ पाए, तो होपफुली कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अभी हम आपसे जाएंगे ज़्यादा इंशाल्लाह कर नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे, तब तक अपना लेकिन इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हसनैन फारूक ब्लॉग को, ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो वक्त पर वक्त मिल सकें। इसी के साथ हम मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त गाइस, बाय बाय।